घोड़े को घसीट कर पानी तक तो ले जा सकते हैं जनाब, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा अपनी मर्जी के लड़के स्लैग कराए। हर दो घंटे में हमारा एक बच्चा जिंसी तशद्दुद का ये रिपोर्ट हुए है? मैं जीत रहा हूँ, मुझे पता है, मैं सरेंडर कर गया, मैं इस मुकाबले से बाहर निकल आया। साइंटिफिक उसूलों पर रियासत को बनाने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम दुनिया बोल है में। खूबसूरत सुबह और जुमतुल मुबारक का दिन है, यकीनन आपका वीकेंड जो है वो शुरू हो चुका है, बच्चों की छुट्टियां लग जाएंगी, आप भी अपने दफ्तरी औकात मुकर्रर कर चुके होंगे और कल का दिन परसों का दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारने वाले हैं। खुशी से गुजारिए, खुश रहिए और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन आज की अच्छी बात से आज के दिन की शुरुआत करेंगे कि मशहूर अंग्रेजी कहावत है पर हम आपको उर्दू में सुनाने वाले हैं। आप घोड़े को घसीट कर पानी तक तो ले जा सकते हैं जनाब, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन कामयाब होने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि कामयाबी के लिए इंसान को खुद ही मंजिल मिलने का या मंजिल तय करने का इरादा करना पड़ता है। तो ये चीज़ खुद ही से शुरू होती है, जिसका तस्करा हमने कल भी किया था और इकबाल की शायरी में भी मिलता है। इसलिए आज हम ये सारी चीज़ें आप पर खुद ही छोड़ रहे हैं, खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि दर हकीकत आप अंदर से क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं बड़ी खबर की जानिब बढ़ा जाए, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब क्या चाहते हैं ये उनसे जान लेते हैं। भाई लगाएं बड़ी खबर। वर्ल्ड कप में कुदरत का निजाम का मामला हुआ तमाम, पाकिस्तान का गेम ओवर, सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ गई हैं। इंग्लैंड को 288 रन से हराना या फिर 15 बॉल्स पर हदफ पार कराना, कौमी टीम की हालिया फॉर्म को देखते हुए दोनों ही नामुमकिन दिखाई देते हैं। बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात, पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर, 5 साल में शराब 53% से 74% तक जा पहुंची, सूरत हाल अलमनाक है, हल क्या है जानेंगे आज के प्रोग्राम में। 5वीं कोहेक्स एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, 9 गोल्ड मेडल्स जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। इवेंट फाइनल में सऊदी हरीफ को चित करने वाले शहबाज अहमद आज दुनिया बोल के मेहमान होंगे। और मौसम की अंगड़ाइयां मौसमी बीमारियां भी साथ लाई, हर दूसरा शख्स खांसी नजला जुकाम का शिकार, बदलते मौसम में कैसे रखें सेहत का ख्याल बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन टॉप ट्रेंड की जाने बढ़ने का वक्त आ गया है और बेटर देन हूज बेटर देन #, न्यूजीलैंड वर्सेज श्रीलंका। जी हां, कल पूरी कॉम ने श्रीलंका के लिए बड़ी दुआएं की, लेकिन श्रीलंकन्स ने कोशिश तो की है पर आगे कुछ कर नहीं पाए। वर्ल्ड कप के 41वें मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बआसानी 5 विकेटों से शिकस्त देकर अपना सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता इंतहाई आसान और पाकिस्तान का बज़ाहिर नामुमकिन कर दिया। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 172 रन का हदफ श्रीलंका का दिया हुआ 172 रन का हदफ जो है वो 23वें ओवर में पूरा करके 2 अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए और सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हमवार कर ली है। ट्रेंड में सार्फीन न्यूजीलैंड की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि पाक भारत सार्फीन गम मनाते नजर आ रहे हैं। ट्रेंड में अब तक 1,13,000 सार्फीन ट्वीट्स कर चुके हैं और ये सारे के सारे पाकिस्तान के लिए भी दुआएं कर रहे थे, लेकिन न जाने क्या हुआ जो पाकिस्तान का सफर लगभग तमाम हो गया है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी तो हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान जीते, फाइनल जीते और वर्ल्ड कप लेकर आए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो 15 बॉलों पर इंग्लैंड की टीम को टोटल आउट करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन मैक्सवेल की इनिंग देखने के बाद क्रिकेट से इम्पॉसिबल का लफ्ज़ जो है वो हटा दिया गया है। अगला #, भी इसी से रिलेटेड है जी, सेमीफाइनल। सेमीफाइनल भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को इंग्लैंड को कितने रन से हराना होगा, इस सवाल के जवाब में सोशल मीडिया सार्फीन जीत गए। जी हाँ, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि टॉप 4 में रसाई के लिए इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम
287 रन से फतह दरकार होगी। कौमी टीम कल अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि ट्रेंड में अब तक 13,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। अलबत्ता ये हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि पाकिस्तानी टीम कल के मैच में क्या करने वाली है। खैर, ये तो किसी को भी नहीं पता होता है। हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं कि सेमीफाइनल तक रसाई जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है और काफ़ी मुश्किल लग रहा है वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि देखिए नाज़रीन, वर्ल्ड कप मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर जो जितना भी ये यहाँ पर मतलब पाकिस्तान ने काम किया, न्यूजीलैंड माफ़ कीजिएगा, अब सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तानी याद आ रहा है मुझे, और कुछ भी याद नहीं आ रहा है न जाने क्यों। कल के मैच के बाद काफ़ी हमारे कार्ड रीडर्स भी थे, हमारे प्रेडिक्शन करने वाले भी थे, हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, वो सारे के सारे जो हैं वो थोड़े हद तक गलत साबित हो गए हैं, बल्कि काफ़ी हद तक गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि सब ने श्रीलंका के लिए दुआएं की थी। अब श्रीलंका जो है वो जीत नहीं पाया है, अब करना क्या है, आगे क्या होगा, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, ये वो सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है। कुछ लोग इतने दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि वो इन सवालों के जवाब जो है वो व्हाट्सएप पे तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी ना किसी एक्सपर्ट से जो है वो इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कल एक बात तो साबित हो गई है कि हर बार किस्मत के सहारे नहीं बैठा जा सकता, और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ साजिद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। बोल देखने वाले को सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से, जिस खलूस से आपने इंट्रो दिया, पिछले 2 हफ्ते से उम्मीद कायम थी, उम्मीद पे दुनिया कायम थी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग रहते थे इनके दुआ कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई कार कर दुआ पर कितने दिन तक, 2 हफ्ते तक तो हमने गुजार दिया, मगर जिस तरह की क्रिकेट खेली श्रीलंका से उम्मीद लगा के बैठे। कल भी आपसे हमारी यही बात हो रही थी, श्रीलंका की जो एडॉग लगा, श्रीलंका की जो क्रिकेट है, खुद ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट खेलने के काबिल, मगर हमने वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी नहीं करी। लाइक डिसलाइक का सिलसिला जा रहा, गुरु बंधु उरुज के सामने आएगा, बाबर को कप्तानी छोड़नी पड़ेगी, रिजवान को टीम से 2020 से ODI से बाहर करना पड़ेगा, जो बाबर के साथ जो रिजवान ने बहुत ज्यादा लाइक डिसलाइक की, अपनी मर्जी के लड़के सिलेक्ट कराए, तो इस तमाम पाकिस्तान क्रिकेटर का पोस्टमार्टम होना चाहिए। कलकत्ता की जहां तक आपने बात की, कलकत्ता में तो नामुमकिन वाली बात हुई, कल भी हमने बता दिया था इंग्लैंड को हराना नामुमकिन है, पाकिस्तान को 13 रन पे कैसे वो टीम आउट होती है, कैसे 5 रन बनी, किताबों थोड़ी क्रिकेट रियलिटी ग्राउंड रियलिटी बताती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो 2020 की टीम है, 2020 की टीम वर्ल्ड कप में इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकती, पूरी टीम चेंज करना चाहिए, मिसाल कायम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के, बाबर आजम को फौरी तौर पर कप्तानी छोड़ देने चाहिए। जिस तरह बाबर आजम ने टीम के साथ क्यादत की, जिस तरह दोस्तियां निभाएंगे डंके की चोट पे, जिस तरह ने पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जाके घर से जाके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बनवाए और अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की, तो अब कौन ऑन करेगा फहीम खान, ये मुझे बताइए, कौन कौन को जवाब देगा, कौन पाकिस्तान की आवाम को जो मुश्किल के दौर में ब्लड प्रेशर की, साजिद भाई वही जवाब देंगे, साजिद भाई वही जवाब देंगे जिन्होंने 99 के वर्ल्ड कप के फिनाले का हाल ऐसा किया था, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 131 रन के ऊपर हम सारे ढेर हुए थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 131 ही थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप करेक्ट कर दीजिएगा, तो वही लोग जवाब देंगे आकर के, उन्हीं को जब उन्हीं में से आपने चीफ सेलेक्टर बनाए थे, वो भी घर जा चुके हैं, उन्हीं की किसी कंपनी का तस्करा निकला था, उन्हीं के कोई एजेंट सामने आए, उन्हीं के कोई मुर्शिद सामने आए, PCB के चेयरमैन साहब अल्लाह माफ़ करे वो आज भी पानी को मम्मम कहते हैं, रोटी को जो है वो पता नहीं क्या, चावलों को हप कहते हैं, वो आकर के जो है वो एक प्राइवेट चैनल पे बैठ गए, वहाँ पर एक सो कॉल्ड सहाफ़ी के साथ उन्होंने वो बातें, और बल्कि वो बातें तो छोड़ी दिए, उन्होंने तो एथिकली एक बंदे की, आपका कैप्टन वहाँ खेल रहा है उसकी चैट तक वहाँ पर दिखा दी कि देखे जी मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो ये मैं तो 6 नवंबर को शायद टूर जाऊँ, तो ये तो माहौल चल रहा था सिर्फ एक बाबर को टारगेट करने के लिए, और बाबर बेचारा आज तो खुद नंबर 1 पर भी नहीं रहा है, वो भी नंबर 2 पर आ गया है, 2.5 साल का सफ़र था वो भी तमाम हुआ, ये सारी चीज़ें तो हो गई, होने वाली थी, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इस चीज़ से सबक ये मिल रहा है साजिद भाई कि हर बार कुदरत के कानून के लिए नहीं बैठना है, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो डिजर्व करता है कि वो सेमीफाइनल में जाए और फाइनल खेले, इस बारे में क्या कहेंगे। 200% बहुत प्यारा आपने हर चीज़ को कवर किया, इसमें को 2 राय नहीं है, जो बेस्ट टीम है अगर सिर्फ न्यूजीलैंड की बात करें, इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार के आई है, जिस तरह मैक्सवेल ने इनिंग खेली, सर मैक्सवेल ने इनिंग खेली, और जिस तरह साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ठीक है हमारा दुश्मन, क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन कोच, बेहतरीन टीम वर्क और बेहतरीन
जज्बे से खेले, टीम गेम है, किसी एक बंदे का गेम नहीं है। उनका क्रिकेट बोर्ड में कोई बात बाहर देख ली, इंग्लैंड की आप देखें, इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप जीता है, 2020 का वर्ल्ड कप जीता है, उनकी उनके किसी क्रिकेट के बंदे ने बात की, चीफ सेलेक्टर ने बात की, सिवाय हमारे मौजूदा चीफ सेलेक्टर जो 2019 में भी थे, जिसने सरफराज को घर भेज दिया था, जिसने सरफराज को कहा आप घर चले जाओ, रिजवान को मैच खिलाया। सवाल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बार-बार बाबर को टारगेट क्यों बना रहे? बहुत प्यारी बात की आपने भी हमें निशान दी कि बहुत प्यारी बात, आदमी को सीखना चाहिए, हक और सच की बात करना चाहिए, जो बात फहीम खान आपने की ये तमाम एंकर को बात करना चाहिए। बाबर को टारगेट बनाने की जरूरत है, टारगेट उन लोगों को बताओ जो टीम के साथ खिलाड़ खेल रहे हैं, जिन्होंने टीम के साथ ज्यादती की, जिन लोगों ने 30% का कट खाया, जिन एजेंटों ने क्रिकेट का भिड़गर किया, जिन लोगों ने मुल्क के साथ क्रिकेट खेली, जो लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे जी चेयरमैन के साथ, जिस सीओ ने जो बाबर का ट्वीट दिखाया उनको सैक कर देते, सीओ तो इंपोर्ट होकर आया, सीओ का क्या काम, क्या काम क्रिकेट बोर्ड, दो ग्रुप क्यों बने हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किसी मुल्क के किसी क्रिकेट बोर्ड दो ग्रुप बने? आप मुझे बताइए इनजी को क्या जरूरत थी डिफरेंट चैनल में जाके बात करने की? सेंट्रिक कॉन्ट में मौजूद थे, 25 लाख रुपए आप ले रहे, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मगर इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, पाकिस्तान का वकार खराब हुआ। और जो बात आप बिल्कुल सही कह रहे, जो 99 में टॉस जीत के, जो पहले बारिश होती रही, बारिश हो गई, किसने कहा था टॉस जीत के जो है पहले बैटिंग कर लो? ये तमाम चीजें क्रिकेट में ऑन रिकॉर्ड मौजूद, हमेशा 4 साल बाद आप जाके नई टीम बनाते, 4 साल बाद फिर वही आप नए लोग आएंगे, मगर इससे पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम खराब हो गया। डिपार्टमेंट की क्रिकेट खोले, अंडर 19 क्रिकेट खोले, हम क्या कह के थके, सरफराज को ले जाओ, साहिब को ले जाओ, खुर्रम शान मसूद को ले जाओ, अम्माद वसीम को ले जाओ, मगर नहीं माने, टीम के साथ ज्यादती की, मुल्क के साथ ज्यादती की, इनका इंसाफ होना चाहिए, इनके तमाम लोगों को पूछ गछ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सवाल उठ रहे हैं और सवालों के जवाब भी मिलेंगे, देखना यह है कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, कल का मैच अब कोई वैल्यू एज सच रखता नहीं है, क्योंकि बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड, अब देखें मिरेकल्स डू हैपन, कुछ भी हो सकता है होने को, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्रिकेट में आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया, क्रिकेट में आज तक मैक्सवेल जैसी इनिंग भी नहीं देखी गई थी। इस वर्ल्ड कप ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं साजिद भाई, इस वर्ल्ड कप ने हमें बताया कि टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कैसे करना है, इस वर्ल्ड कप ने हमें बताया कि भाई आउट स्विंग की बॉल को आपने स्क्रीन पे इन स्विंग दिखा के आउट कैसे दे देना है, इस वर्ल्ड कप ने हमें दिखाया है कि जी अगर बल्ले से बॉल लग के गई है और वो खिलाड़ी आपकी होस्ट कंट्री का है तो उसकी आवाज़ या उसके सिग्नल जो है वो नहीं आएंगे, इसी वर्ल्ड कप ने जो है वो हमें बताया है कि जी टाइम आउट किस तरीके से किया जाता है क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिसे हम जेंटलमैन्स गेम कहा करते थे, अब उसमें जेंटलमैन तो निकालना बिल्कुल ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो हरकत हुई जो शकीब ने की थी एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ, वो इतनी कोई मतलब आप समझ लीजिए हकारत वाली नज़र से उन्होंने की थी कि चलो भैया जाओ बेटा शाबाश चलो अपना गेम खेलो, कुछ इस तरीके का एक्शन था उनका। फिर उसके बाद मैक्सवेल की इनिंग आ जाती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का रन रेट आ जाता है, फिर उसके बाद फ़खर की इनिंग आ जाती है। तो ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ आया है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के गया है। आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद ICC अपने इस सिस्टम के बारे में कुछ सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा, यकीन तो इस वर्ल्ड कप में वकारी उनके खिलाफ भी, बांग्लादेश की जो बांग्लादेश की अदालत है उनके खिलाफ जाहिर की जा रही है। इसी वर्ल्ड कप में वकार जो कमेंट्री कर रहे थे, शकीब ने जो हरकत की, वकार उसको बहुत ही क्रिकेट जेंटलमैन के हवाले से, साबिक कप्तान वर्ल्ड क्लास जो कमेंट्री कर रहा था उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मगर बांग्लादेश की हुकूमत है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे अपील कर रहा है ICC से वकार को कमेंट्री के पैनल में शामिल ना कर जाए। इसी वर्ल्ड कप में तमाम चीज़ें आपने कवर की, इसी वर्ल्ड कप यकीन 2023 वो चीज़ हुई जो कभी भी 275 से 2023 तक वर्ल्ड कप हुए उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं, ये वर्ल्ड कप तारीखी वर्ल्ड कप है, तारीखी वर्ल्ड कप में वो चीज़ें हो गई जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। इसी वर्ल्ड कप में 15 दिन पहले ड्रॉस चेंज हो जाते, इसी वर्ल्ड कप में जो साल पहले ड्रॉस अनाउंस कर दिया जाता है, मैचों का बता दिया जाता है, इसी वर्ल्ड कप में 2 हफ्ते तक ये नहीं पता था कौन सा मैच कहाँ खेला जाएगा, कौन सी टीम कहाँ खेलेगी, इसी वर्ल्ड कप में लैक एंड स्ट्राइकिंग हुई है, ग्रुप बंदी यकीनी तौर पर ICC BCCI की डंके की चोट पर नजर रही, इसी वर्ल्ड कप में लैकिंग का सिलसिला जारी है, इसी वर्ल्ड कप में वो चीज़ें हुई हैं जो बयान में नहीं कर सकता, इसी वर्ल्ड कप में ये बातें तक कह दी गई, ये बॉल जो है 2 किस्म की है, एक इंडियन ब्रांड, एक ICC का कोका पूरा बॉल है, तो तमाम चीज़ें इसी वर्ल्ड कप में क्यों हो रही है, सवाल ये पैदा होता है ये वर्ल्ड कप इतना क्यों करता है? 2019 में भी तो वर्ल्ड कप हुआ था, 2015 में भी तो वर्ल्ड कप हुआ था, 2011 में भी तो वर्ल्ड कप हुआ था, सवाल ये पैदा होता है तमाम चीज़ें यकीनी तौर पर जब ICC को BCCI चला रहा होगा, 95% उनको मार्केटिंग दे रहा होगा, और IPL की चमक इतनी है, बोर्ड को चला रहे के साथ उनकी बोर्ड को पैसा है, पैसा, पैसा, साजिद भाई पैसा है IPL में,
आईपीएल में इतना पैसा है, इतनी चमक है, यकीनी तौर पर मैं बयान नहीं कर सकता। आईपीएल की चमक इतनी ज्यादा हो गई है, आईपीएल की आप मुझे बताएंगे, आईपीएल की जितनी चमक की वजह से क्रिकेट को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो सेमीफाइनल खेला जाएगा बंबई में, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा, तो तारीखी मेरे ख्याल में ये बेस्ट मैच खेला जाएगा। इसमें आप ये न्यूजीलैंड अपसेट कर सकती है, ये मैं आपको बता दूँ, मगर न्यूजीलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हालांकि इंडिया की टीम बहुत फेवरेट है, और मैं समझता हूँ 2011 के बाद 2023 में उनकी टीम तमाम चीज़ों पर हुआ, मगर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अभी से मैं बता रहा हूँ, एम्पायरिंग बहुत मायने करती है, पिच बहुत मायने करती है, तो ये चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए बहुत आना जरूरी है। जो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और इंडिया का जो खेला जाएगा, उस पर बहुत बड़ा काम होने को उम्मीद हो सकता है। आईसीसी का उन्होंने बीसीसीआई अपनी मर्जी की पिच बनाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त फरमाया आपने। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आपने बहुत सारे हाईलाइट किया और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में जो है वो आपने बात की। और जाहिर सी बात है, न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी जो है वो कंप्लीट नहीं है, उनके दो तीन खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो देखना यह है कि ये मुकाबला कितना सख्त होगा, डू एंड डाई सिचुएशन में जाके न्यूजीलैंड खेलता है या नहीं खेलता, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, अब बात कर लेते हैं सारिश साहब। सारिश साहब अच्छा आज यहाँ नहीं है, माफ़ कीजिएगा, अरे आज वहाँ हैं जी। आज साथी एंकर सारिश जोहेब जो हैं वो हमें ऐसी जगह की सैर करवाने वाली हैं जहाँ नायाब और कदीम चीज़ों का जखीरा है। जी हाँ, अहमद अनवार साहब एक आर्टिस्ट हैं और बचपन से ही उन्हें एंटीक और पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ है। गुज़िश्ता रोज़ उनके घर पर एंकर सारिश जोहेब ने विज़िट किया और वहाँ क्या क्या यूनिक और मुनफरिद चीज़ें देखी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। लेकर आई हैं बड़ी यूनिक सी जगह पर, जहाँ पर तमाम चीज़ें बड़ी यूनिक है, पुरानी है और अपनी खास सी जगह रखती है। ज़ाहिर है जिन्होंने बचपन में इस्तेमाल की होंगी, उनकी मेमरीज इसके साथ वाबस्ता होंगी, जुड़ी होंगी, तो दिल खुश हो जाता है इस तरह की चीज़ें देखने के बाद, इनके बारे में जान के। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने इकट्ठा किया इन सब चीज़ों, तो वही मेहनत लगती है फिर इसको संभाल के रखना, इनकी हिफाजत करना, इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस वक्त मेरे साथ आर्टिस्ट मौजूद है, पहले के भी आर्टिस्ट है अहमद अनवर साहब, वो मौजूद है। कोई से हम जानेंगे कि उनको ये शौक कैसे पैदा हुआ कि उन्होंने ये चीज़ें इकट्ठी करनी है, फिर उनकी हिफाजत किस तरह से करते हैं, चीज़ें इकट्ठी कैसे करते हैं और कहने की भी माशाल्लाह क्या कमाल रखते हैं, तो आज उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद अनवर साहब। अहमद अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि मैं यहाँ पर वो चीजें देखी है, शायद मैंने टीवी पर अपने बचपन में देखी है। जी बिल्कुल। तो ये आप कब से इकट्ठी कर रहे हैं? ये तो बहुत जमाना हो गया, बचपन से इकट्ठी कर रहे हैं। वाले साहब को भी कुछ थोड़ा बहुत शौक था, कुछ हमें भी था, तो फिर लाजमी बात है वो वक्त के साथ साथ प्रमोट होता चला गया। अहमद अनवर साहब से हमने बहुत सारी बातें भी करनी, लेकिन सच सर तवज्जो का जो मरकज यहाँ पर चीज मुझे दिखाई दी है वो ये ग्रामोफोन है, जो हमें आज के दौर में तो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आता। और मजे की बात है कि ये चल भी रहा है, यानी कि अपनी वर्किंग कंडीशन में है, और ये इसका कैसेट है, ये भी हमें आज तक कहीं पे नहीं मिलता। और अहमद साहब से बात की, मौजूद है ये देखिए। तो ये अहमद सर, ये अभी तक चल रहा है कैसे? ये एक्चुअली होते हैं मैग्नेटिक। अच्छा, मुझे बताएंगे आपने इसके अलावा क्या क्या इकट्ठा किया है, कब से कर रहे हैं, बचपन से शौक? जी मुझे बचपन से शौक है और मैं ये रेडियोग्राम, मेरे पास तकरीबन कोई 8-10 पीस होंगे, ये मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ कंपनियों के, और माचिसों का मेरे पास कलेक्शन है, सिक्कों का कलेक्शन है। मुझे बताइए कितना पुराना है और ये कैसा है? ये तकरीबन कोई 150 साल पुराना है जी, और इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें दो लैंप एक साथ हैं। अच्छा। और इसको जलाने के बाद आपको बुझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए, ये ऑफ कर देता है। ऑफ कर देता है इसको, बड़ी जबरदस्त चीज है ये भी। ये जो लैंप है ये एक्चुअली रेलवे के इस्तेमाल का है, और रेल के अंदर जब सिग्नल वगैरह दिखाने होते थे, उनको सिग्नल बताना होता था, गाड़ी को रोकना होता था, तो उस वक्त ही इस्तेमाल किए जाते थे। इसके ऊपर फिल्टर भी फिट हो जाते थे। और दूसरा इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये देखिए आप बैक साइड इसका, इसके बैक साइड में ये जो इसकी चिमनी है, ये देखिए आप। अच्छा, आप ये देखिए, जंग भी नहीं लगा हुआ और कितनी जबरदस्त। और इसको जलाने के बाद इसके अंदर रख दिया जाता था,
और इसकी जो क्वालिटी थी वो ये है कि आप इसके ऊपर चाय गर्म कर सकते हैं, जबरदस्त खाना गर्म कर सकते हैं, यानी कि रोशनी भी, और सर्दियों में आप हाथ अपने गर्म कर। आम का कैलीग्राफी और मशर इतनी जबरदस्त करते हैं, ये मैं नाज़रीन को दिखाऊंगी भी। तो ये इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, ये भाई को सामने नजर आ रहा है, वो सारा डॉट से बनी हुई पेंटिंग है जो बड़ा नजर का काम भी है। तो आपका जरिया मुआश जो है वो भी पेंटिंग पेंटिंग ही है, पेंटिंग या कैलीग्राफी है, तो इससे फिर आप अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह जी घर भी सर। अच्छा अहमद साहब, आपको सिक्के इकट्ठे करने का भी शौक है, तो मैंने सोचा था मेरे भी बचेंगे तो वो सिक्का निकल आएगा। हाँ बिल्कुल निकल आएगा। कैसी कलेक्शन आपके पास? बिल्कुल, आप देखिए, ये देखिए, ये एक पैसा है, ये जनाब आपने टका तो नहीं, नहीं पैसा, ये पैसा आई थिंक बांग्लादेश में है। ये भी एक पाई है, ये पाई है। अच्छा, एक पाई का मैं मोहताज नहीं हूँ किसी का, आपने एक संग जुमला सुना होगा लोगों के मुंह से, तो वो है जनाब ये एक पाई, मेरे साथ कैमरा पर ये है वो एक पाई जो अपनी लोगों से सुनते हैं। अच्छा जनाब, ये यादगारी सिक्के हैं जो कि जारी किए जाते हैं खास मौकों पर, तो ये किस मौके पर जारी हुआ था ये? आप इसको देखिए, ये एक रुपया है, ये दिन क्या है, काफी है ये। ये देखिए, ये चांदी के सिक्के हैं, हैदराबाद दक्कन के, इंडिया के सिक्के हैं ये सारे ज्यादातर, जब अंग्रेज जो है वो हुकूमत किया करता था। सही समझे आप। अच्छा सॉरी, बताएगा आजकल के दौर में भी क्या कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, खत्म हो चुका है वो जमाना, मिलती है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है अब, इसलिए कि जो जमा करने वाले लोग हैं वो आमतौर पर इसको बेचते नहीं। ये तो बहुत पुराने में, बहुत पुराने से ये सब की है, ये अकबर के जमाने के और उसकी शुरुआत के मौके के ऊपर है। एक शायद किसी के पास नहीं होंगे, पत्थर पे बने? नहीं ये पत्थर पे नहीं है, कॉपर पे, कॉपर के है, ये कॉपर के, मतलब शेप जो हमको दिया गया है वो पत्थर का दिया गया, पत्थर का दिया गया। अच्छा, करेंसी नोट अब हमारे सामने आ चुके हैं, कॉइन्स देखने के बाद अभी करेंसी है जो कि कितनी पुरानी है, ये अहमद सर हमें बताएंगे ये नोट कब कब के हैं, ये भी मुझे बहुत पुराना लग रहा है। बहुत पुराने नोट हैं ये सारे, बंद हो चुके हैं ये सारे नोट, तो अब बंद हो चुके हैं बिल्कुल। ये तो उस वक्त का है जब हमारा बांग्लादेश था, ये भी देखे उस वक्त का है जब हमारा बांग्लादेश था, समझे आप। ये 10 रुपए के नोट बाजार तो अभी तक चल रहे हैं, ये देखिए ये नोट बंद हो चुका है, ये बंद हो चुका है, ये मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा वैसे अहमद साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, बचपन की यादें कितनी वाबस्ता होती है इस तरह की चीज़ों के साथ? में यादें भी वाबस्ता होती हैं और तारीख है हमारी, ये तो हमारी हिस्ट्री है, आ गई समझ में, हमको पता कैसे चलेगा हमारे बच्चों को कि मतलब ये सारी चीजें क्या हैं क्या नहीं है। बिल्कुल अहमद साहब, ये बताएगा पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कितनी कदर है, आर्ट की कितनी कदर है? नहीं नहीं, पाकिस्तान में आर्ट की बहुत कदर है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कदर नहीं है, बल्कि बहुत नाम कमाया है माशाल्लाह से। इस दफ़ा जो पूरा दुबई का पवेलियन था पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने पूरा क्रिएट किया, बनाया उसको, और बहुत ज़बरदस्त तरीके पर उन्होंने काम किया है। जी हाँ नाज़रीन, ये सिक्कों की खनक जो है वो आपने सुन ली है, बड़ी ही पुरानी पुरानी कदीम कदीम चीज़ें, काफ़ी लोगों को शौक़ होता है चीज़ें जमा करने का, इन्हें भी शौक़ है, बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज जो है वो आपने देखा, थैंक यू सो मच सारिश इस पैकेज के लिए। और नाज़रीन हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा रही दुनिया बोल है, मैं आपका इंतज़ार रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मर्तबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं नाज़रीन, ऐसी खबर आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हर इंसान के साथ बड़ी इमोशनली कनेक्टेड है। जी हाँ, इंसान खाता कमाता अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए जीता, अपनी औलाद के लिए है, जो भी करता है वो यही सोच के करता है कि मेरी औलाद का भला हो जाए या उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, घर बना रहा है तो यही सोचता है कि फ्यूचर में मेरे बच्चों के काम आएगा, हर चीज़ बच्चों से रिलेटेड है, इसीलिए ये खबर भी बच्चों से रिलेटेड है। और ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, बड़ी ही अलार्मिंग सी सिचुएशन है जो कि हम आपके साथ शेयर करना अपना
फ़र्ज़ समझते हैं और ज़रूरत वक्त भी समझते हैं कि बच्चों के साथ जिंसी ज़्यादती से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात हो रहे हैं। पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे में शुमार हो चुका है। 5 साल में अगर शरह निकाली जाए तो 53% से बढ़कर 74 यानी 53% से लेकर 74% पर जा पहुँची है, जबकि दूसरे नंबर पर सूबे सिंध और तीसरे नंबर पर KPK मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा बच्चों में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। सूरत हाल बहुत ही अलार्मिंग है। आखिर बच्चों के बढ़ते अगवा और जिंसी ज़्यादती के वाकयात की बड़ी वजूहात क्या है, जानेंगे समाजी रहनुमा और NGO रुको के सदर हमीद अलवानी साहब से, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवानी साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो आपने क्लेम किया है कि जी 2019 में 53% थी ये तादाद पंजाब की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ओवरऑल बात हो जाएगी, फिर उससे रेशियो का हमें आइडिया हो जाएगा, और अब जो है वो 74% हो गई है। तो ये डाटा आपके पास आया कहाँ से, क्या ये सोर्स ऑथेंटिक है, और अगर ऑथेंटिक है तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे जो है वो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्या आपने मीडियम यूज़ किए, क्या हर्डल्स आई आपको डाटा कलेक्ट करने में? बहुत शुक्रिया। देखें, डेटा हमने बहुत मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा किया है। एक तो हमने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स, उनको वक्तन फ़वक्तन न्यूज़पेपर्स में जहाँ जहाँ बच्चा जिंसी तशद्दुद चाइल्ड अब्यूज़ का होता है, फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो अथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उसमें आपको यूनिसेफ से लेके एक हमारे पास कोई 25-30 साल से साहिल करके NGO काम करता है वो चाइल्ड अब्यूज़ पे, वहाँ से लेके तमाम को हमने उसको रिसोर्स के तौर पर यूज़ किया है, और इन तमाम का डेटा फिर हमने मैच किया है, तमाम के डेटा का कंपैरिजन किया है। उसके बाद एक रिपोर्ट मैंने मुरतब की है जो 2019 से लेकर 2023 तक है, जिसमें बदकिस्मती से इस वक्त 12 बच्चे डेली हमारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, वो केसेस जो रिपोर्ट होते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरे मीडिया सोशल मीडिया पे, लेकिन उससे कई गुना केसेस ऐसे हैं जिनका हमें रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, जिसका इसका मतलब ये होगा कि हर 2 घंटे में हमारा एक बच्चा जिंसी तशद्दुद का ये रिपोर्ट हुए ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट ये मैं वही रिपोर्ट अगर ये बात अंदाज़ा लगाया जाए कि जो केसेज रिपोर्ट नहीं हो रहे तो इसकी तादाद बढ़ सकती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा, आप समझते हैं 10 टाइम्स ज़्यादा अंदाजन उसकी, जब ये बहुत बहुत वल्नरेबल फिगर्स हैं, और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, हमारे यहाँ बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है, पेरेंटिंग का रोल वाजे नहीं है बच्चों को हमने। अच्छा, कभी मैं अलवानी साहब यहाँ पे थोड़ी आपको रोकूंगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये डाटा कलेक्ट किया तो आपने अपनी रिसोर्सेज के बारे में बताया कि जी यहाँ यहाँ से मैंने ये डाटा जो है वो कलेक्ट किया, अगर अब कोई आपको क्लेम करता है या कोई चैलेंज करता है, लेट्स से कि सूबाई हुकूमत कहती है कि नहीं जी ये फैक्ट्स नहीं है, तो आप उन्हें प्रूव कर सकते हैं कि नहीं आप फैक्चुअल डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे डाटा जो है ऑथेंटिक है, ये बात तो हो गई एक तरफ। अब मुझे ये बताइए, जिसकी जानिब आप इशारा भी कर रहे थे कि पेरेंटिंग नहीं है, पेरेंटिंग से ज़्यादा ज़रूरी क्या बच्चों को ये सिखाना नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर केसेस जो होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अरीब करीब के लोग, रिश्तेदार, बिल्कुल दूर के चाचा दूर के मामा घर रुकने के लिए आए हुए हैं, और बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको डराया जाता है, जाहिर सी बात है वो बच्चे, उन्हें डांट दिया जाता है, डरा दिया जाता है, एक छोटे से जो है वो आप चाकुओं को भी दिखा देंगे तो वो घबरा ही जाएंगे, वो तो क्योंकि छोटे बच्चे, वो ये सब बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर कोई आपकी NGO या कोई काम ऐसा हो रहा हो कि जी बच्चों को एजुकेट किया जाए कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को बताना है होते हुए, या जब उनके साथ ऐसी कोई इंटेंशंस हो रही हो, ये अवेयरनेस कैसे आए? देखिए, इसके लिए हम बिल्कुल इस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैं खुद बेजाते खुद मुख्तलिफ जगहों पे, कराची के मुख्तलिफ इजलास में, ठट्टा में, सिजावल में, चंडो मोहम्मद खान में, हैदराबाद में, वहाँ जाके मुख्तलिफ जगहों पे इसको प्रेजेंटेशंस देता हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ। उसमें देखें, एक बहुत बड़ा ट्राइंगलर है, ट्राइंगल में एक वालदेन है, एक टीचर है और एक बच्चा है, ये एक ट्रायंगल है जिसकी सरपरस्ती सरकार ने करनी है, तो इसके थ्रू इन तीनों को हमें साथ लेके चलना। और ये जो प्रेजेंटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स को मदऊ किया जाता है, उसमें बच्चे तमाम होते हैं, बच्चों की एज ब्रैकेट जो है 5-6 साल से लेके 15-16 साल के बच्चे, ये ज़्यादातर इसका विक्टिम होते हैं, वो हैं असातिज़ाएं, फिर जिस अज़ला में हमने ये किया है वहाँ पर कंसर्न पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पुलिस और दूसरी हमारी लॉ एनफोर्समेंट में भी ये इतना सेंसिटिव
डिजिटाइज नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस हम मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि बच्चे सहम जाते हैं, देखें हमारे यहाँ सबसे पहले जो पेरेंटिंग में मिस्टेक होती है ना, वो हम अपने बच्चे पे यकीन नहीं करते, एतमाद नहीं करते। अगर वो कुछ कहना भी चाहता है कि मैं इस चचा से, मामू से, कज़न से या पड़ोसी से या दुकानदार से या स्कूल के वैन ड्राइवर से या टीचर से कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो हम सबसे पहले अपने बच्चे को शट अप कॉल देते हैं, तुम गलत कर रहे हो, तुम अंकल के लिए यूं कर रहे हो, तुम टीचर के लिए, तो वो उसकी आवाज वहीं दब जाती है। तो वो जो चीज़ें वो एक्सप्रेस करना है, तो पेरेंटिंग के लिए है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फ्रेंडली रहें। और कम्युनिकेशन गैप हमें कम करना चाहिए, हम कम्युनिकेशन गैप हमारा बहुत है। दूसरा, हमारा बच्चा हम गुड टच बैड टच के बारे में डिस्कस ही नहीं करते बच्चों से, बिल्कुल इसी चक्कर में कि भाई हम बताएं कैसे, एक्सप्रेस कैसे करें, हम बच्चियों को कैसे बताएं। अब आपको मैं बताऊँ, मैं कई जगह प्रेजेंटेशन देने गया, मुझे एक सवाल बड़ा बहुत ही चुभा, जिसका बहुत फेस करना पड़ा। अक्सर लोग ये खड़े होकर कहते हैं कि जी आप गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं या सेंसिटिव या प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, आप बच्चों की मासूमियत खत्म कर रहे हैं। Exactly. आप ये देखें ना, मेंटल अप्रोच है, बजाय इसके कि वो बच्चा अब्यूज हो जाए, अब्यूज होने के बाद आप देखें इस वक्त भी 2022 में 81 बच्चे जो हैं अब्यूज होने के बाद मर्डर हुए, क्योंकि उसमें ज्यादातर 90% लोग वही हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो मैंने बताया, जैसे आपने भी जिक्र किया, कजन हैं, उन्होंने कहा कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो बच्चा देखो मर्डर हो जाता है। तो ये आप देखें, आप जैनब केस में देखें, दूसरे केसेस में देखें, अभी फातिमा का केस जो हवेली में हुआ है उसमें देखें, आप देखें वही लोग हैं जो जान पहचान वाले हैं, एक्वेंटेंस है, आपके अरीब करीब हैं, पड़ोसी है, जिन पे आपको भरोसा है, जिन पे आपको भरोसा, आपका एतमाद है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे बुजुर्ग है, और वही जो है वो आखिर में आपके बच्चों के कातिल भी निकल आते हैं, दुश्मन भी निकल आते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी आपने बात बताई कि लोग कह रहे हैं कि यार आप बच्चों की मासूमियत जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। एक तरफ तो बच्चों की मासूमियत छीनी जा रही है, और दूसरी तरफ आप इस पे सवाल कर रहे हैं कि उन्हें उस मासूमियत के छीने जाने से रोका जाए, बनिस्बत इसके कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये बताना गलत है। ये जाहिर सी बात है, इसके लिए जो है ना, देखें पेरेंटिंग की बड़ी ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पेरेंटिंग ये होती है जी कि बताया जाता है यार मेरी अम्मी तो ये करती थी, बच्चे बड़े चुप हो जाते थे, हमने तो देखा है अपने छोटे भाई बहनों को इस तरीके से, तुम्हें नहीं आता बेगम ये सब करना। ये हमारे यहाँ पेरेंटिंग है कि जो हमारे बुजुर्ग करते हैं वो करें। अब्बा अगर हमें हॉकी से मारते थे कि भाई पकड़े गए कोई क्रिकेट खेलते हुए या देर तक खेलते हुए, तो हम भी अपने बच्चे को जो है वो हॉकी से मारेंगे, ये हमारी पेरेंटिंग है। हमारे यहाँ इनहेरिटेड पेरेंटिंग चलती आ रही है, सही और गलत का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं है। बच्चों में खौफ है, उन्हें अक्सर यही डराया जाता है, जैसे आपने बताया कि तुम्हारे अब्बा यूं करते थे, दादा हमें यूं करते थे, हम उनके घर में दाखिल होते ही चुप हो जाते थे, सहम जाते। देखिए जमाना चेंज हो गया, आपको कम्युनिकेशन बच्चों के साथ ज्यादा, आपने फ्रेंडली, और दूसरा आप देखें हमारे बच्चा किसके साथ स्कूल जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, वहाँ उसका फ्रेंड कौन है। हम कभी ये उनके बैग चेक नहीं करते, कभी यूनिफॉर्म नहीं देखते। अब बैग में से अगर किसी का मोबाइल निकल रहा है तो किसका, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती। अगर हम 20 रुपए के बच्चे को देते हैं दुकानदार से और वो 40 की चीज ले आता है कोई, तो हम खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कितना होशियार है। आप देखें ये जो है ना हमेशा अब्यूसिव सॉफ्ट, ये साइंस है, वो अपना सॉफ्ट विक्टिम बनाता है, वो अपना जो है शिकार आस्ते आस्ते उसको एतमाद ट्रस्ट डेवलप करता है। अल्टीमेटली दुकानदार है, आप उसको 20 रुपीज देंगे, वो आपका हाथ पकड़ लेता है। अक्सर आप देखें कि बेटा अंदर आके दुकान के अंदर से चीज़ निकालो, तुम्हारी तो है ये है, फिर वो बच्चा दुकान पर बैठना देता है, कभी टॉफ़ी कभी बिस्किट देते हैं, फिर कभी कहते हैं गोदाम में चलो चिप्स ले आते हैं, बिस्किट के कार्टन ले आते हैं, फिर वो इस बहाने जाता है। देखिए अल्टीमेटली वो अब्यूज हो जाता है, और जब वो अब्यूसर देखता है इस बच्चे ने मुझे पहचान लिया है या मुझे वो बता देगा, मैं एक्सपोज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो मर्डर हो जाता है। तो ये हमें इन चीजों का, इसी तरह अब ट्यूशन्स में देखें, अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी ब्लंडर करते हैं कि ट्यूशन वाला जब घर पे पढ़ाने आता है तो हम क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं ये रूम तुम्हारे हवाले है, बच्चे को बंद कर दिया, एक घंटे बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बुला लेना, हम आपको डिस्टर्ब नहीं। तो इसके लिए मैं ये टिप दूंगा, गुजारिश करूंगा पेरेंट्स को कि बच्चे को आप ऐसी जगह बैठाएं कि डिस्टर्ब ना हो, लेकिन दूर से आते जाते टेरिस में बैठाए, कॉरिडोर में बैठाए, ताकि मदर फादर घर के, तो वो बच्चों के दूर से उस पे नजर रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी तरह से देखें, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसकी वजह से हम, अब बच्चा है अगर जबरदस्ती अंकल के या किसी के क्या बड़े कोई कजन है उसके साथ नहीं बैठो, जबरदस्ती आप उसके गोद में क्यों नहीं बैठ रहे हो, अंकल के करीब क्यों नहीं आते, हम फोर्स करते हैं बच्चों को। तो ये देखें आप, बच्चे अगर आपके कंफर्टेबल नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है उनको फोर्स ना करें। और अक्सर वो बेशतर अगर बच्चा बोलना चाहता है तो आप उसे सुने, सुनने के बाद जरूरी नहीं है कि आप फोर्स
फौरन उनसे लड़ने चले जाए, उसको नेक्स्ट टाइम उसे कैसे इज्तनाब करना है, उसे कैसे परहेज करना है, इन चीज़ों के पर बहुत सारे टिप्स हैं। इस बच्चों पर ट्रस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अलवानी साहब, आपकी बातों में लग रहा है कि जब किसी का जिक्र होता है ना, तो मिसाल के तौर पर मैं ये एक बड़ी भोंडी सी मिसाल देने जा रहा हूँ कि अगर बच्चे ने कह दिया कि जी मामू ने मेरे साथ जो है वो कोई बदतमीजी किया, बैड टच हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो अब्बा को तो फौरन यकीन आ जाएगा, अम्मा कभी यकीन नहीं करेंगी कि मेरा भाई तो ऐसा है ही नहीं, और अब्बा ने कहना है ही ये ऐसा, और अगर उसने कहना है जी चाचा ने किया है तो अब्बा ने कहना नहीं ये तो सवाल नहीं, हमारा तो खानदान ही ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अम्मी ने फौरन यकीन कर लेना है कि नहीं तुम्हारा भाई तो है ही ऐसा, उसकी तो नजर ही गंदी है। बिल्कुल, ये जो एक इन्होंने खानदानी निज़ाम बनाया हुआ है ना घरों में, इसका खत्म होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि हमारे पास देखें आप रेशो अगर इस रिपोर्ट में देखेंगे तो फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन ज्यादातर आसपास है, यानी बच्चे यानी लड़के 45-46% अब्यूज होते हैं, लड़कियां 54-56% ज्यादा होती है, नियरली 5-6% का फर्क है। अब वो अक्सर लड़कियां जो अब अपने अंकल्स के घर रहने जाती हैं, फ्रेंड्स के घर, कजन्स के घर जाते हैं, बाहर जाते हैं, अब देखें वो अल्टीमेटली अब हम उनकी कोई खैर खबर नहीं लेते हैं, हम उन पर ही वो तमाम। और दूसरा ये कि बच्चों को आप देखें अक्सर वो बेशतर हमें बहुत अवेयरनेस, इवन आप बच्चों को कभी कोई ऐसी मुश्किल में है और वो लोगों के सामने अंकल के सामने इजहार नहीं कर पा रहा कि मुझसे क्या हो रहा है, तो अक्सर उसको मुख्तलिफ बहानों से वहां से उठ जाए। ये तीन चीजें हम बच्चों को अक्सर सिखाते हैं, नो गो टेल, नो को मतलब है कोशिश करें कि बच्चे को इतनी हम प्रिक्वेशंस और इतनी प्रिवेंशन सिखाएं कि उसी चीज को वहीं रोक दे, रोको, नो कर दे, और टेल के आके बताए या उस सिचुएशन से गो निकल जाए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें अपने बच्चों को शुरू से हमें देखने हैं, बैड टच, गुड टच, उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स क्या हैं उनके बारे में। और इवन अक्सर आप देखें हम बच्चे हमारे अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो माँ और बाप या बड़ा भाई बाहर बैठ जाता है और वो बच्ची अंदर चली जाती है, तो ये बड़ा है, ये बच्चों को अवेयरनेस दें और उनको भी चाहिए कि बच्चे के साथ अंदर उसके पास जहाँ भी उसका चेकअप हो रहा है उसके साथ जाए, यहाँ बच्चा खुद कहे उसको इतनी अवेयरनेस कि जी मेरे पेरेंट बाहर बैठा है आप उसको अंदर बुला लें। तो ये इसी तरह हमारे बच्चे आस्ते आस्ते अब्यूज हो जाते हैं। जिस जगह पर हमें प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए वहाँ हम नहीं रखते बींग अ पेरेंट, लेकिन जहाँ नहीं रखना चाहिए वहाँ हम कहते हैं जहाँ जान छूट रही है वहाँ छुड़ाओ। जैसे आपने ट्यूशन का जिक्र किया, हमने एक घंटे के लिए जी कहा जी चलो आप कमरे में बैठो पढ़ाओ, जान छुड़ाओ अपनी, कुछ भी नहीं, आप घर में हैं, माँ घर में मौजूद है, भाई घर में मौजूद है, बहन घर में मौजूद है, आप आराम से टेरिस में बिठा के पढ़ाएं, कॉरिडोर में पढ़ाएं, लाउंज में बिठा के पढ़ाएं, कमरे में बिठाने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि इस तरफ इशारा कर रही हैं, और ये यकीनन अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो आपने अपने डेटा के बेसिस के ऊपर ये बातें कही, क्योंकि केसेस हुए, ये अजम्पशंस नहीं है कि जी मुझे ख्याल आया मैंने कोई फिल्म देखी उसके अंदर ऐसा हुआ तो मैंने बता दिया, ये आपका डेटा है या आपकी 5 साल की रिसर्च है जो कि ये बात बता रही है, रिसर्च है, और इसमें मुख्तलिफ सिचुएशन से मुख्तलिफ लोगों से मिलना है, एक्सचेंज जो व्यूज हैं, वो बच्चे जो अब्यूज हुए हैं। अब आप एक देखें, सबसे बड़ा देखें ना, यहाँ सरकार का भी बड़ा रोल है, देहातों में ये बहुत चीज़ होती है, देहातों में लोग ये वेट करते हैं। देखें इसमें अब्यूसर जो है एक तो अपना इजी टारगेट ढूंढता है, और अक्सर क्या होता है देहातों में ये होता है कि अगर बच्चा कोई अब्यूस भी हो जाए तो पहले तो हम इंतज़ार करते हैं कि गांव का वडेरा बड़ा आ जाए, उसका अब्बा आ जाए, फिर हमारी पुलिस इतनी फ्रेंडली नहीं है, हम थाने में जाते हुए डरते हैं, जब जाते हैं तो पुलिस इतनी सेंसिटाइज नहीं है, वो जो बैठा हुआ वहाँ जो हेड मॉरर है या एएसआई है वो चाहे कहता है यही होगा आ जाएगा, शाम तक लोफर है, इधर होगा उधर होगा, ढूंढो देखते हैं, सेंसिटाइज नहीं है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके एविडेंस मिस हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं, बच्चा अब्यूज हो जाता है, फिर उसका फायदा कल्प्रिट को होता है, फिर आगे आप जाते हैं आपका कोर्ट्स में स्लो ट्रायल होता है, हम इसको स्टिग्मा समझते हैं, किसी को बताते हुए डरते नहीं है, हो गया आप किसी से जिक्र नहीं करो और बदनामी होगी। तो देखिए ये तमाम वो सिचुएशंस हैं, ये हालात हैं जिसकी वजह से इसमें कानून को और हुकूमत को भी जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए भरपूर तरीके से, कोई ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए जैसे कराची के अंदर ज़ैनब ऐप जो है वो एक आ गई थी ज़ैनब के केस के बाद, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिससे फायदा उठाया जा सकता है। सर आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ जो है इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े जबरदस्त चैंपियन भी मौजूद हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे भी आपकी जो है वो मुलाकात करवाई जाए और बात भी उनसे करते हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नाज़रीन आपको बताएं कि जी 5वीं को भाई बड़ी मुश्किल सी है, कोविक्सन एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप जो है ये दुनिया भर के 23 ममालिक के 315 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की है जी, और इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो छा गए हैं, उम्दा परफॉर्मेंस से जो है वो मैदान मार लिया। पाकिस्तानी ताइक्वांडो चैंपियंस ने इवेंट में मजमूई तौर पर 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दी चैंपियन मलिक शहबाज अहमद, जिन्होंने फाइनल में सऊदी हरीफ अली अब्बास को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, सबसे पहले तो हना दुल सित करते के साथ ही जो है वो हम शुरुआत कर देते हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। खैर मुबारक सर। सर ये आप भाइयों की दुआएं हैं, सपोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है सर। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा मलिक साहब कि ये जो मुकाबला आपका हुआ है, इसका पहले तो मुझे बताइए कि ये फाइनल और गोल्ड जीतने तक का जो सफर है उसमें आपने कितने हरीफों को हराया है इसमें, और जो फाइनल फिर जो फाइनल सऊदी अरब से थे उनके साथ जो मुकाबला हुआ वो कितने राउंड पर जो है वो मुश्तमिल था? सर मेरी कैटेगरी में कम से कम 15 प्लेयर थे सर, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, कोरिया, काफी कंट्रीज थी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेमीफाइनल और फाइनल सऊदी अरेबिया से आया था। वाह जबरदस्त। तो आपने उन सबको हराते हुए सफर तय किया और फिर फाइनल जो है वो सऊदी तक आप ले गए। अच्छा एक चीज़ जो है ना मलिक साहब, ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, मैं चाह रहा था कि कोई चैंपियन हमारे साथ हो तो वही इस पे जो है वो डिटेल में बात करें। ये ताइक्वांडो, कराटे, कुंगफू, इन सबको जो है ना बहुत सारे लोग एक ही चीज़ समझते हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि ज़रा इसका फ़र्क जो है छोटा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ तो बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक ठीक है सर। ये ताइक्वांडो, कुंगफू, वुशु, कराटे, ये मार्शल आर्ट की गेम्स है ना? बिल्कुल। लेकिन जो हमारी ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो का मतलब है किक और पंच का सही इस्तेमाल। ओके। अब के ताइक्वांडो में पंच है उसका एक पॉइंट होता है, कोई एक जगह होती है, जैसे कि चेस्ट पे अगर पंच सही लगे, चेस्ट से नीचे, तो उसका एक पॉइंट होता है। अगर ऊपर लगे, नीचे लगे, तो उसका पॉइंट कट होता है। ऐसे ही किक है, किक का भी एक पॉइंट होता है। लेकिन जो कराटे में किक होती है, पंच होता है, वो कहीं भी मार सकते हैं, लेकिन ताइक्वांडो में वो फास्ट पेस होता है, ये स्लो पेस होता है ताइक्वांडो जो है, कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो आप लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए जो ट्रेनिंग आपने ली इसके लिए वो कितने अरसे पर थी, क्या बचपन से आप सीख रहे थे ताइक्वांडो, और आपका आइडियल जो है वो इस खेल में कौन है जिससे इंस्पायर होकर आपने कहा कि यार मैं भी ताइक्वांडो का चैंपियन बनूंगा एक दिन? सर मेरा तो ये बचपन से शौक था, मेरे पेरेंट्स का शौक था कि हमारा बच्चा इंटरनेशनल प्लेयर बने और यहाँ मीडिया तक आए। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी करते हुए आज अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा किया है। जबरदस्त। तो बात ट्रेनिंग की, तो सर हमारे साथ पाकिस्तान में कुकी वान की तरफ से मास्टर सिंगो चोए आए हुए हैं कोरिया से। ओके। तो मैंने उनसे तकरीबन 2 साल हो गया ट्रेनिंग में हासिल कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है उनकी ट्रेनिंग से काफी फर्क आया है। उनकी ट्रेनिंग से पहले मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 100 थी, तकरीबन 100 वर्ल्ड रैंकिंग। तो जब से वो आए हैं मेरी वर्ल्ड रैंकिंग सर 22-23 तक पहुंच गई थी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। और अब आप चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल भी लेकर आ गए हैं, तो यकीनन अब जब आप अपनी रैंकिंग देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा हाई हो चुकी होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस ट्रेनिंग में अगर हम आते हैं तो इसमें स्टैमिना जो है वो कितना वैल्यू रखता है? जैसे बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट टेक्निक एंड स्टैमिना, अगर हम ताइक्वांडो की बात करें तो ताइक्वांडो में स्टेमिना का जो है वो कितने परसेंट शामिल है और टेक्निक कितने परसेंट शामिल है ये भी बताइएगा, साथ साथ अपने डाइट को भी इंक्लूड कीजिएगा कि आपकी डाइट प्लान जो है वो क्या रहते हैं। स्टेमिना के लिए हर मुख्तलिफ गेम में है ना, मुख्तलिफ गेम में कि अपने अपना एक स्टेमिना होता है मुख्तलिफ गेम्स का, जैसे फाइट अपना हो गया उसका अपना स्टेमिना होता है, अपनी ट्रेनिंग होती है, बॉक्सिंग हो गई है, जैसे हॉकी लगा लो, कोई भी गेम लगा लो, अपना अपना एक अलहदा इनका एक अपना स्टेमिना होता है, ट्रेनिंग होती है। ऐसी ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो में भी एक अपनी अलहदा ट्रेनिंग होती है सर, और आपको पता ही है सर कोई भी गेम लगा ले स्टेमिना जरूरी है। हाँ वो तो है, स्टेमिना बहुत जरूरी है। सही सही। अच्छा डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट क्या आप कर रहे हैं इस्तेमाल अपने ताइक्वांडो के खेल को सक्सेसफुल बनाने के लिए? सर डाइट हर गेम में जरूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग ताइक्वांडो वाले यूज करते हैं, अपना फिश यूज करते हैं, अपना बीफ यूज करते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट यूज कर लिया, कभी किसी ने वेट थोड़ा सा लूज करना हो, मेंटेन रखना हो। मलिक साहब आप थोड़ा सा अगर आप पीछे होके बैठेंगे तो अंकल आंटी जो भी आपको देख रहे हैं जो चाहते थे कि आप मीडिया पर आए, आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। थोड़ा सा जो है वो कैमरे से पीछे होके बैठे, तो अब जो है मैं ये उनकी वजह से कह रहा हूँ, मुझे तो आप माशाल्लाह खूबसूरती लग रहे हैं। थैंक यू सर, जबरदस्त मोहब्बत है। अच्छा मलिक यार आप गोल्ड मेडल जीत कर आए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हमने तो सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है गोल्ड मेडल, भाई हमारे लिए तो बहुत बड़े एजाज की बात है, हैसियत है पाकिस्तानी के, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो माशाल्लाह उन लोगों को हरा रहे हैं जिनके पास सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास हर फील्ड में रिसोर्सेज का फुकदान है,
हमारे पास अगर कोई भी चैंपियन आता है, ज़्यादातर लोग जो है वो सेल्फ मेड होते हैं, कोई उनको फेडरेशन सपोर्ट नहीं कर रही होती है। हमारे पास जितने लोग आते हैं जीतने के बाद जो है उनको अगर कोई वादे भी किए जाते हैं तो वो वफा नहीं होते कि जी आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी, इतना इनाम मिल जाएगा। तो हमारे पास तो एक ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे चैंपियंस मौजूद हैं जो कि खुद साख्ता तौर पर हीरोज़ हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा जो कि हर चैंपियन और हर हीरो पाकिस्तानी से मैं पूछता हूं कि आपके खेल में आपको फेडरेशन की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट हुई या जो कुछ भी किया है आपने अपने तहत किया है? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, साउथ एशियन गेम 2019 से मैंने खेली है। तब भी पहली दफा मेरा इंटरनेशनल इवेंट था, सिल्वर और ब्रॉन्ज था, पहला इवेंट था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं कोरिया गया हूँ सर, कोरिया से मेडल लेके आना बहुत मुश्किल है, वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फिर नेपाल में 2 गोल्ड मेडल लिए। फिर मैं वर्ल्ड मिलिट्री खेलने गया हूँ, वर्ल्ड मिलिट्री में सिल्वर मेडल हुआ हूँ मैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हुआ हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, जो ताइक्वांडो फेडरेशन है, कर्नल रिटायर वसीम अहमद जंगजुआ साहब, उनकी तरफ से हमें फुल सपोर्ट है। जबरदस्त। लेकिन वो भी चलो फेडरेशन की जानिब से तो सपोर्ट है, कोई तो खड़ा है जी। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत, तो आपके पास तो पूरी फेडरेशन मौजूद है। मलिक शहबाज साहब, एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया, कौम का सर आपने फख्र से बुलंद कर दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप हमारे साथ हैं। और नाजरीन, हमें एक वक्फा लेना है, तो हमीद अलवानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपकी जानिब से बड़ी अच्छी अवेयरनेस मिली है। और नाजरीन, आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, एटलीस्ट गुड टच, बैड टच, और वो जो 3 वर्ड्स आपने बताए थे वो क्या थे? नो गो टेल। नो गो टेल, यानी सबसे पहले नो, फिर गो और फिर टेल। ये 3 चीजें आपने जरूर अपने बच्चों को सिखानी है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। आपने ख्याल रखिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, आप खुशामदीद कहते हैं, दुनिया बोल है मैं। और अब मौसम की तेजी जो है उस पर नाजरीन बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। मौसम ने अंगड़ाई ली है, मौसम सर्द हो रहा है। पंजाब और केपी समेत बलूचिस्तान में भी सर्दी की दस्तक है, और इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन आम हो जाते हैं। लेकिन कराची और लाहौर में जहां स्मॉग ज्यादा हो, और खासतौर पर कराची जहां धूल मिट्टी और गंदगी के अंबार लगे हुए हों, यहां लोग इस मौसम की तब्दीली से शदीद बीमार हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलने लग जाते हैं, एंटीबायोटिक्स की जाने बढ़ जाते हैं, और फिर एंटीबायोटिक्स की ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आपकी किडनीज पर भी काफी असर पड़ता है। ये सारी चीजें तो हो गई हैं एलोपैथी की जानिब से, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट की जो कि आपको नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन हाँ फायदा 100% या कभी कभार उससे भी ज्यादा पहुंचा सकता है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे बड़े फेवरेट हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह आज भी बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, फहीम साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। शुक्र। आज आपको खूबसूरती के लिए कंपैरिजन कोई नहीं मिलेगा, आज सिर्फ मैं हूँ और आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसे तो आप ज़रा कंपटीशन चलता रहता है आपका हमारी साथ। नहीं, मैंने भी स्क्रीन पे देख लिया था। हाँ, तो आप माशाल्लाह, मैं बात ही खत्म है, मैं जीत रहा हूँ, मुझे पता है। मैं सरेंडर कर गया, मैं इस मुकाबले से बाहर निकल आया हूँ। मैं आप सोलो फ्लाइट है, मैं हूँ ही नहीं। अकीन साहब, मसला ये है कि जी एक रिपोर्ट पड़ी है, उसके मुताबिक लाहौर में 1 साल अगर आप गुजार लें तो मौसम इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया है कि आपकी ज़िंदगी से 7 साल कम हो जाते हैं। ये एक रेशियो है कि जी ओवरऑल 7 साल, मतलब ये नहीं कि 2 साल गुजारे तो 14 साल, ऐसा नहीं। रिपोर्ट बता रही है कि अगर आपने 1 साल लाहौर में गुजार लिया तो आप अंदर से इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी अगर 60 साल है तो वो 53 की रह जाती है। देखिए, ये आलूदगी, आलूदगी अब कराची में भी बहुत है, तकरीबन जितने भी बड़े शहर हैं सबके अंदर बहुत ज़्यादा है ये। और अब ये है कि हमारे यहाँ का एक निज़ाम है जो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से लोग अपना फजला भी जला रहे होते हैं, इसके अलावा गाड़ियों का धुआं भी है, और कहीं पे कोई काम हो रहा होता है थोड़ा सा भी कोई चीज़ जमा करते हैं उसे आग लगा देते हैं, वो एक अलग ये खुला जाती है जो कि गलत है। ये गली मोहल्लों में भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्मॉग है ये सांस वालों के लिए, साइनसाइटिस एलर्जी वालों के लिए बहुत ख़तरनाक है ये। और इसमें यह है कि ये जो सीज़न आता है जो सांस वाले बेचारे अपने आप को छुपा रहे होते हैं घर में, कोने खांचों में होते हैं, इसके अलावा इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी मेडिकेशन को वक्त पे लेना शुरू हो जाते हैं, मास्क लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, जी बिल्कुल, ये इनहेलर होता है, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक पत्ते आते हैं बनफशा के पत्ते जो कि एंटी एलर्जी हैं। ओके जी हाँ। और गुले जूफा, ये अस्थमा के लिए बहुत बेहतरीन है, ये दमे के लिए। तो गुले जूफा और बनफशा के पत्ते 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, 1 कप रोज़ाना पिया करें।
ये सीने को भी साफ़ करती है, सांस की तंगी को भी बेहतर करती है, और इसके अलावा जो अस्थमेटिक एलर्जी होती है, सिनसाइटिस एलर्जी होती है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये एक टाइम रोज़ाना पिया करें। बच्चों को जो है, जैसे 7 साल 8 साल वाले बच्चे हैं, तो इनको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें। बड़े जो हैं वो 1 कप रोज़ाना पिए तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन प्लीज़ अपना इनहेलर, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन, उसे 1 दिन के लिए भी मत रोकिएगा, कंटिन्यू रखिए। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, आज आप बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हुए हैं, और ये आप जड़ी बूटी भी लेकर आए हुए हैं पहाड़ों से, एक सलाजीत। ये तो एक ही काम के लिए हमने आज तक सुना है, वो इस्तेमाल होती है जोड़ों के दर्द के लिए। जी बिल्कुल। तो जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, और सर्दियों में ही जो है वो कहते हैं इस्तेमाल करें। तो आज आप इससे क्या तरीक़ेकार बता रहे हैं? देखिए, बाज लोग गिर जाते हैं, उनके मोरे हिल जाते हैं, कमर के मोरे जो हैं उसमें L4 L5 के मोरे होते हैं, जो कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, रग दबती है। तो शाटिका पेन भी कहते हैं, अर्कुल निसा का दर्द भी कहते हैं, और इसमें लंगड़ी का दर्द भी इसे कहते हैं। इसकी वजह से ना हाथ पांव सुन भी हो रहे होते हैं, और अगर सर्वाइकल की तरफ जा रहा हो तो लेटते बैठते चक्कर भी आते हैं। हाँ, वो डिल्यूजन ही रहती है, सीढ़ियाँ नहीं उतर पाते, हिलता है। तो उसको ठीक करने के लिए, जिन लोगों को भी मोरों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर्वाइकल की हो या कमर के मोरों की प्रॉब्लम हो, ये उसको ठीक करेगी। इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये है सतावर, 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 ठीक है। इसे सतावरी भी कहते होते हैं, ठीक है। ये इसका पाउडर है, ठीक है। ये हम लेंगे 50 ग्राम, सही है। ये आ गया सतावरी का पाउडर। ये है असगन नागौरी, असगन नागौरी, जी हाँ। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम, ठीक है। और ये है मामेख, मामेख, जी हाँ। ये एबटाबाद में, मनसेरा में, यहाँ पे बहुत पाई जाती है ये। अच्छा, केपीके में बहुत होती ये है। इससे क्या होता है? ये हड्डियों को जोड़ती है ये। अच्छा, ये भी? हाँ, दर्द को ख़त्म करती है ये। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम, ओके जी, 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लें, ऐसे बारीक पाउडर बना लें, ठीक है। और 1 चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा सुबह शाम 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, और इसे घोल के या फिर फांकनी है? घोल के भी कर सकते हैं, मुंह में डाल के ऊपर भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे कमर के दर्द को भी खत्म करती है, और ये जो शाटिका पेन होता है, जो रग दब रही होती है, इसको खोलने में मदद देती है, और साथ में एक्टिव भी करती है, जिसकी वजह से हाथ पांव सुन हो रहे होते हैं, ये उनके लिए बेहतर है। ये स्पेशली तौर पर डायबिटिक पेशेंट के हाथ पांव ज्यादा सुन होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उनके लिए भी बेहतर है, जिनको डायबिटिक शुगर नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये इस्तेमाल करते हुए हजामा भी साथ साथ करवा लिया जाए? करवा सकते हैं, कोई हरज नहीं, सुन्नत होती है। हजामा एक अलग फील्ड है, जड़ी बूटियों की जो हिकमत है। लेकिन आपने बताया कि जो नसें बंद होती हैं, वो बंद नसों को खोलने के लिए ज्यादातर बिल्कुल बिल्कुल हजामा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। तो वो अगर इस्तेमाल किया जाए साथ साथ, और फिर इसकी भी रवानी करते रहे, तो ये ज्यादा भी करते हैं, बाज लोग फिजियोथेरेपी भी करते हैं, वो जारी रख सकते हैं, कोई जारी रखते हुए इसका इस्तेमाल, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें। देखे, जो दवा आप पे या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो 5 दिन में काम ना करे, वो 5 साल में भी नहीं करेगी। अच्छा, ये बड़ा क्विक चेक बताया आपने, वैसे ये बड़ी आला बात हो गई। जी जी, जिसने 5 साल में आपकी बॉडी के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं की, वो 5 साल में भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, 5 दिनों में जो काम ना करे, वो 5 साल में भी नहीं करे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तकलीफ में इसके जब इस्तेमाल करेंगे, आपके कम अज़ कम 2 दिन के अंदर 19-20 बेहतरी आनी चाहिए। क्या बात है, तो ये भी इस्तेमाल करना है लोगों को, इसका क्या करना है? जी हाँ, ये सलाजीत है। जी जी, ठीक है। ये इसकी असली की पहचान, इसकी पहचान ये है कि इसकी खुशबू ही अलग होती है। एक होती है गुड़, चीनी, जली हुई, जो रोडों पे भी अवेलेबल हो जाती है, ये ओरिजिनल होती है, 100% कहीं पे भी इसको चेक कर लें। इसकी तरकीब इस्तेमाल जो होती है, ये बड़ी खास होती है। एक माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए। अभी माश की दाल कितनी होती है? मटर वटर से बता? नहीं नहीं, माश की दाल, जो दालें नहीं होती हैं, मूंग की, माश की। हाँ हाँ, लेकिन वो कोई और निशानी नहीं है इसकी, मटर के दाने से या माचिस की तीली का? माचिस के तीली का जो मसाला होता है, उतनी 1 या 2 के बराबर, ठीक है, मिक्स करके 1 गिलास दूध में 1 टाइम रोजाना पिए। जो सलाजीत के अंदर जो मिनरल्स पाई जाती हैं, वो होती है इसमें आयरन भी होती है, इसमें पोटाशियम भी होती है, मैग्नीशियम भी होती है, इसमें विटामिन B12, B6 पाया जाता है, विटामिन K पाया जाता है, और विटामिन D पाया जाता है। ये तमाम जिस्म के लिए और जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत बेहतर है। ये उनके लिए बेहतर है जिनका कार्टिलेज घुटनों में ख़त्म हो जाता है, उसको भी पूरा करती है, और इसके अलावा हड्डी टूट जाती है, ये उसको भी जोड़ने में मदद देती है। अगर किसी भी किस्म का हर्निया का या किसी भी किस्म का ऑपरेट हुआ हो, जिसमें एपिडूरल का इंजेक्शन लगता है कमर पे, उसका दर्द नहीं जा रहा होता, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। हड्डी का जो पानी निकाल दिया जाता है कमर की हड्डी में, जो इंजेक्शन लगता है एपिडूरल, उसके पेन को भी, उसके पेन को भी ये खत्म करती है, तमाम जिस्म की ताकत के लिए और दर्दों को ये खत्म करती है। आपने बता दिया कितनी इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है ये भी बता। एक माश के दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 24 घंटे में 1 बार रोजाना इस्तेमाल करें। इसे ये ना सोचें कि ये सर्दियों में इस्तेमाल होती है, इसे गर्मियों में भी कर सकते हैं। अच्छा, गर्मियों में भी कर। ये मेरा, ये मैंने भी ये सुना था।
सी फूड आपने देखा होगा, आप गर्मियों में भी खाते हैं, सर्दियों में भी खाते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन उसके असरात भी फिर आ जाते हैं। नहीं नहीं इतने नहीं आते। अच्छा नहीं, वो पिंपल वगैरह नहीं, मिकदार एक माश के दाल के दाने के बस ठीक है। यानी ये दवाई के तौर पे आपने इस्तेमाल, दवाई के तौर पे ये चलती रहे और लेट से कितने अरसे तक जो है वो इसको इस्तेमाल, महीना दो महीना इस्तेमाल करें कोई नुकसान नहीं, महीने दो महीने इसको कोई नुकसान नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं। और उम्र का तकाजा ये है कि 20 साल से लेके यानी इसके बाद वाले इस्तेमाल करें, 20 साल से कम उम्र वाले ना करें। ठीक है, यानी 20 साल से लेके फिर जितनी भी आपकी उम्र है, जितनी उम्र भी है 70-80 साल, 90 साल, मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ फवायद इससे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम मैंने कहा ना, तमाम जिस्म की ताकत और दर्दों को ख़त्म करती है। एक आजकल आपने देखा होगा बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 103-104 पे बुखार चला जाता है, सर्दी वाला बुखार है और मुँह का जायका कड़वा हो जाता है, कुछ खाते हैं तो वॉमिट आने का होता है। तो जिन लोगों को भी बुखार की कैफियत हो रही हो, मौसमी बुखार हो या मलेरिया टाइफाइड हो, तो उसमें भी काम करेगी। आपने लेना है गुलो की लकड़ी, गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, अजवाइन आधी चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। अच्छा जी हाँ, हर किस्म का बुखार ख़त्म करती है ये उनके लिए भी बेहतर है जो शाम होती है जिनको बुखार हो जाता है, हड्डियों का बुखार कहलाता है ये उनके लिए भी बेहतर है ये। अजवाइन आपने बताई, अजवाइन और गुलो की लकड़ी जो है वो अमूमन आम तौर पर जो है वो घरों में जो उसका कावा बनता है हाजमे के लिए बनाया जाता है, हाजमे के लिए बनता है, पेट के लिए बनता है, पेट दर्द को ख़त्म करती है। इसके अलावा जब इसको गुलो की लकड़ी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बुखार को भी खत्म। गुलो की लकड़ी कितनी लेनी है इसका? 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच और आधी चम्मच अजवाइन, ठीक है, 1.25 कप पानी में डाल लें, उबाल लिया, कहवा बन गया, 1 कप सुबह बनाकर पी लें, 1 कप शाम। जैसे 8 से 12 साल 13 साल के बच्चे हैं तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच। हकीम साहब यहाँ एक सवाल और ज़रा घरेलू सा ही है, वो भी सुस्ती से रिलेटेड, कि कुछ लोग होते हैं वो अपना थर्मस जो है वो भर लेते हैं एक ही टाइम पर बना के और फिर वक्फे वक्फे से पीते रहते हैं, तो क्या ये इसको स्टोर किया जा सकता है? नहीं, ये खराब हो जाता है, इसमें प्रिजर्व नहीं होता। आप उतना बनाएं, देखें ना, आधा चम्मच ये ले लिया, 1 इंच का टुकड़ा ले लिया, 1.25 कप पानी में उबाल लिया और पी लिया, बस इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं। जरूरी यही बात, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि थर्मस भर लिया फिर भर भर के पीते चले जा रहे, तो ये वो कोई सब्स चाय नहीं है जिसको आप मजे लेते रहे, चुस्कियां लेते रहे, दवाई है। फहीम भाई एक चीज़ और भी है, हमने देखा होगा यहाँ कराची में तो गर्मी नहीं, मतलब गर्मी पड़ रही है, सर्दी बाकी इलाकों में, हाफ स्लीव का इस्तेमाल ना करें, क्यों? आपको मच्छर काट लेते हैं, दूसरी चीज़, तो इसकी वजह से आप पे ये जो डेंगू के असरात और मलेरिया के असरात यहीं से शुरू होते हैं। ओहो हो, तो यहाँ तो कर सकते हैं ना कराची में? नहीं, तो आप हाफ स्लिप ना पहने, फुल स्लिप पहना करें, बाथरूम भी जा रहे हैं तो डरा दिया कि अच्छा यहाँ स्टूडियो में तो खैर सही है, बाहर जाते हुए कर लूंगा। अच्छा ये डेंगू की आपने बात की, तो डेंगू की हमने सुना है भाई बड़ा कोई टाइम टेबल के साथ आता है, ये बड़ा पंचुअल है, ये सुबह आ रहा है, सुबह शादी की पाँव फटने के बाद और शाम को असर से मगरिब के दरमियान आ रहा है, ये ऐसा ही है कुछ? नहीं, इसका कोई टाइम नहीं है। फिर ये इतनी सारी मिथ क्यों है? आपको हर एक की एक अलग बात मिलेगी, हर कह रहे कि जब सूर्य निकल रहा होता है ना तब आता है, सूर्य निकलते ही मर जाता है। नहीं ऐसा, फिर जब सूर्य डूब रहा होता है तब आता है, सूर्य डूबते ही मर जाता है। मैं एक बात, मतलब बड़ा बावला सा मच्छर है, रोशनी में भी मर रहा है, अंधेरे में भी। फहीम भाई एक बात जानता हूँ, बुराई बता के नहीं आती है, बुराई बता के नहीं, कभी भी नहीं आती, तो तकलीफ आपको जो आ रही है वो बता के नहीं आएगी कि ये सुबह में आ रही है या शाम में आ रही है, अपनी केयर आपने खुद करनी है, किसी और ने आके नहीं करनी। अच्छा एक मजे की बात और, चलें आप यहाँ पर मिथ्स की बात निकली है तो मैं आपको वो भी बताऊं कि जी मच्छर ने आपको काट लिया डेंगू के, ठीक है जी, उसके ऊपर तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है वाइट एंड ब्लैक, अब आप हो गए डेंगू के मरीज, आपको कोई नॉर्मल मच्छर जिसने ये वाइट एंड ब्लैक वाले कपड़े नहीं पहने हुए, नॉर्मल अपने वर्दी में आया हुआ है, उसने अगर काट लिया तो वो मच्छर भी डेंगू बन जाता है आपको काटने की वजह से? नहीं, देखो एक चीज मैं बता दूं कि ये एक लोगों ने बनाई हुई है। हाँ, मैं इसीलिए तो मिथ कह के आपसे मुखातिब हुआ। आपको मैंने कहा ना कि तकलीफ कोई पता नहीं, आपको ज़ेब्रा वाले मच्छर ने काटा या दूसरे मच्छर ने काटा है, स्टार्ट में यही होता है कि आपको बुखार होता है, बुखार के बाद वो मलेरिया की सूरत इख्तियार करता है, टाइफाइड की तरफ चला जाता है, फिर डेंगू की तरफ जाता है। हमारे यहाँ बड़े सुस्त लोग मौजूद हैं सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब बुखार होती है ना तो फौरी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कहते हैं उतर जाएगा, ऐसे ही है, उतर 2-3 दिन गुजारने के बाद जब वो पक्का हो जाता है ना फिर जाते हैं डॉक्टर के पास बिगाड़ के केस। यही वजह है, वो 2-3 दिन तो ये जानने में लगा लेते हैं कि मुझे बुखार अच्छा मानते ही नहीं है पहले दिन, तो मुझे बुखार क्यों होगा, मुझे तो बुखार है ही नहीं। नहीं, बुखार होता है उसके बावजूद भी दवा भी नहीं ले रहे होते ना, घरेलू चीज़ों में कोई भी एक टैबलेट आती है जो बड़ी पॉपुलर है वो खा लेते हैं, कहते हैं यार बुखार उतर रहा है, ऐसा ना किया करें। अगर आप देखें आपको सर्दी वाला बुखार हो रहा है प्लीज अपने करीबी डॉक्टर को जरूर दिखा लिया, करीबी डॉक्टर को जरूर दिखा लिया करें। जबरदस्त हकीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आज हमने ये हर्ब्स की बात की है जी,
आज पूरी दुनिया के अंदर एक साइंस डे भी जो है वो इंटरनेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी जो है वो आज बात करेंगे। आप हमारे साथ ही हैं आज नाजरीन। 10 नवंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है और इस वक्त भी मनाया जा रहा है। इस बार दिन का जो मौजू है वो जदीद साइंसी तहकीक पर मजीद एतबार जो है वो कैसे रखा जाए, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमर जालियावाला, मोटिवेशनल स्पीकर। और वेलकम टू द शो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपका। जब भी आपको जहमत देते हैं आप माशाल्लाह से जो है वो आके हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और आज जो इंटरनेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है तो मैं तो चाहूँगा कि इसकी शुरुआत उस ऑर्थोडॉक्स के ज़माने से की जाए जब साइंटिस्ट को लोग जो हैं वो दीगर मजाहिब के अंदर मार दिया करते थे और वो उनके लिए जो है वो एक समझ लीजिए कि नॉन बिलीवर टाइप की कैफियत रखते थे। साइंस का रिलीजन के साथ जो है वो हमेशा एक झगड़ा रहा है, इस्लाम से पहले के दौर की अगर हम बात करें या कि रीसेंट इस अंग्रेज़ी दौर की बात करें तो एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट रही है साइंटिस्ट के दरमियान और एक सोसाइटी पूरी कैथोलिक मौजूद थी जो कि इनके एंटी जो है खड़ी रही। आज जो है वो साइंस सबके लिए ज़रूरत बन चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पस मंज़र भी शेयर कर लीजिए कि कितनी मुश्किलात से गुजर के साइंस आज यहाँ तक पहुँची है। जी बिल्कुल, एक उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी टीम के पास भी कोई साइंटिफिक तरीका है कि इनको पता होता है कि कौन सा दिन मेरा बिल्कुल अवेलेबल होता है somehow, पिछले कितनी मर्तबा जब कॉल आई तो थैंक यू सो मच। हमारे पास एहसन बाबा बंगाली हैं, वो सारे अफाल निकाल देते हैं। जी आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, खास वो यूरोप की कहानी है जिसमें क्लर्जी और साइंटिस्ट इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। गैलीलियो कहते हैं कि दुनिया गोल है और उससे पहले ये एक्सेप्ट किया हुआ है और गलत एक्सेप्ट किया हुआ है कि दुनिया फ्लैट है। ऐसी चीजें जो कि रिलीजन में नहीं है, आप जानते हैं कि रिलीजन वालों ने उसके जवाब निकाल लिए क्योंकि जाहिर है वो इंसानों को बॉदर करते थे, लेकिन वो जो जवाब निकाले थे वो जवाब साइंटिफिक नहीं थे, वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं थे। बहुत सारे जवाब इंसान की अपनी थिंकिंग, अपने फलसफे से, लेकिन साइंस स्टैंड करती है क्योंकि साइंस वो फैक्ट है जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि हमेशा होगा, हर जगह पे होगा जब वो राइट कंडीशंस होंगी। तो वो ट्रूथ आप जानते हैं कि सिर्फ रिलीजन को नहीं हिलाता, वो इंसान की तारीख में बड़े बड़े लोगों को हिलाता हुआ है। कितने ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने ऐसे ख्यालात दिए जो कि बाद में अनसाइंटिफिक हुए। तो व्हाट इज दिस साइंटिफिक थिंकिंग एंड व्हाट इज दिस रेवोल्यूशन कि इंसान ने कहा कि हम ऑब्जर्वेशन पे, हम टेस्टिंग के ऊपर नतीज ड्रॉ करेंगे ताकि वो नतीजा बार बार रिपीट किया जा सके। यानी एक चीज जो एक जगह पे होती है, लेकिन आप जानते हैं कि इससे पहले जो और इंसान का तालीमी डेवलपमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं थी उस टाइम की, लेकिन ये फ्लिप हो गया है। अब आप देखें तो यूरोप के अंदर क्लर्जी जो है, यानी जो चर्च है, उसका रोल बड़ा डिसाइडेड है उस वक्त से। यानी उसका काम है लोगों की स्पिरिचुअल नशोनुमा, उसका नाम है लोगों की इबादत गुजारी और उनकी कम्युनिटी को हेल्प करना, लेकिन रियासत के उमूर पे क्लर्जी का इतना कुछ लेना देना नहीं है अदर देन गाइडिंग द रियासत। अलग कर दिया उनको साइंटिफिक उसूलों पे रियासत को बनाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस उसूलों पे, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो साइंटिफिक नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा यहाँ पर ही जो है वो बात कर लेते हैं साइंटिस्ट की। अभी हमने साइंस की बात कर ली कि किस तरीके से जो है वो कितनी लड़ाइयाँ लड़के जो है ये आए हैं। साइंस की अगर हम बात करें और इनोवेशंस की अगर हम बात करें तो जब भी कोई नया आइडिया जनरेट हुआ है उस शख्स का मजाक उड़ाया गया। रिसेंट डेज में अगर हम बात करें तो इलान मस्क ने कहा कि भाई मैं बगैर ड्राइवर के गाड़ी चला दूंगा। लोगों ने कहा भाईजान क्या खा कर आए हो, हमें भी बताओ, हम भी मंगाते हैं। अगर पुराने दिनों की बात करें तो राइट ब्रदर्स आते हैं जिन्होंने कहा था कि जी हम लोहे की एक ऐसी चिड़िया बनाएंगे जो कि आपको लेके हवा में उड़ेगी। तो लोगों ने कहा पहले आप तो ज़मीन पर आ जाएं, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप। ये सारे वो लोग हैं जिन्हें एक ज़माने में पागल तक कह दिया गया था, बल्कि कह क्या दिया था, मानते थे लोग कि ये तो पागल हैं, इन्हें क्या मालूम है, दीवाने हैं ये, बस लगे हुए हैं। और फिर उन्होंने दुनिया को गलत साबित किया अपने आइडियाज़ को मुकम्मल करके और अपने इनोवेशंस को एक प्रैक्टिकल शक्ल देके अपने इरादे के साथ जुड़े रहना और हत्तुल इम्कान कोशिश करके उसके नतीजे तक पहुंचना कितना ज़रूरी है उमर साहब। जी साइंटिफिक थिंकिंग है ही ये। मैं मिसाल देता हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि एक शख्स है वो सालों साल लगा रहता है एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक ही तरह की चीज़ को स्टडी करता रहता है और उसमें से कोई थ्योरी निकालने की कोशिश करता है और वो सालों लगाए और हो सकता है वो कुछ ना निकाल सके।
तो इसके लिए तजस्सुस चाहिए, सच ढूंढने का, अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात के अंदर तलाश करने का एक तजस्सुस चाहिए। तो साइंसदानों की कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं और हर सच तीन मराहिल से गुजरता है। पहले उसका मजाक उड़ता है, पहले साइंसदानों की पुराने दौर की अगर आप पढ़ें तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। दूसरा उनको अपोज किया, यानी फिजिकली उन्हें रोका, उन्हें जेलों में डाला, उनको सैंक्शन किया, उन्हें तरह तरह की डिफिकल्टीज में डाला, और तीसरा उन्हें मान लिया गया। बिल्कुल, तो जो सच होता है वो सेल्फ एविडेंट होता है, वो सिर्फ वक्त की बात होती है। और आप देखें साइंस जो है वो सच का मजमुआ है, जो रियल साइंस है वो सच है, वो हक है, यानी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं कोई चीज छोड़ू तो उसने नीचे गिरना है, तो इससे ज्यादा हक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं साइंस ने कुछ ऐसी बातों पे नताइज ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं जो कि हम अभी कंक्लूसिव अंदाज में नहीं पहुंच सकते जिन पे शायद जल्दी की। और इसी तरीके से रिलीजियस लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजों पे एक तो एंट्री लगाई है जहां पे नहीं है रिलीजन का लेना देना, और दूसरा जो है साइंस को हमेशा अपने खिलाफ फोर्स के तौर पे देखा है, अपने तारीख का इशारा भी किया। तो साइंस और रिलीजन ऑपोजिट्स नहीं है, बल्कि ट्रू रिलीजन बिल्कुल खिलाफ नहीं हो सकता साइंस के। ट्रू रिलीजन कहता है जो बात हक है, जो बात अयां हो जाए उसको तस्लीम कर लो। बेशक उमर साहब, ऐसा ये दुरुस्त है। इसी वजह से आपने जिस लड़ाई का यूरोप में जिक्र किया वो साइंटिस्ट के साथ इस्लाम की कभी भी नहीं रही है। इस्लाम ने हमेशा से जो है वो साइंस को सपोर्ट किया है, बल्कि इस्लामी अगर आप देखें नतीज देखें कुरान पाक की रोशनी में अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि हर चीज़ के बारे में जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है, जो कि साइंटिस्ट ने बाद में एडमिट भी किया है। थैंक यू सो मच उमर जालियावाला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बहुत ही जो है वो डिटेल गुफ्तगू आज के दिन पर फरमाई है। हकीम साहब, मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो हमें नुस्खे बताए, और उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आप इन नुस्खों पर अमल करेंगे और सर्दी में अपने आप को बीमार होने से बचाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जब हम आपके साथ आएंगे नए मेहमान और नई कहानी साथ होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप खुश आमदीद कहते हैं, दुनिया बोल है मैं। और नाजरीन अब बात कर लेते हैं शहर कराची की। कराची वो सोने की चिड़िया है जहां कई लोग आए और आज सेठ बन गए, मगर आज कराची में होने वाले जराइम की बात करें तो आने वाले वीडियो से जो रूह कांप जाएगी आपकी, क्योंकि घर से निकले यहां तो खैर की बात है मगर वापसी अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ पहुंचे इसकी कोई गारंटी शरंटी नहीं है जनाब। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाय साहब। अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर, एक सवाल आपके चीफ रहते हुए भी था और अभी तक है कि जब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और शहर में ये साइबर सिटी सेफ सिटी बनाने का एक फार्मूला आप अपने वक्त में ही दे चुके थे, अभी तक एम्प्लीफाई क्यों नहीं हो पाया है, क्या रुकावटें आ रही हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो सवाल सिंध गवर्नमेंट को हम पूछेंगे कि पिछले 8 साल से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है और रोज़ाना बात होती है, हमेशा यही कहा जाता है कि जी अगले महीने इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, टेंडर हो रहे हैं, फला हो रहा है, फला हो रहा है, लेकिन अब तक मैं नहीं समझता कि कोई ग्राउंड वर्क खास नज़र आ रहा हो। देखिए कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इस बात को समझना चाहिए कि 2.5 करोड़ की सबसे ज़ायद की आबादी का शहर, 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया और तकरीबन 27,000 की पुलिस, जिसमें से सिर्फ 8,000 की पुलिस फोर्स वो है जो थानों में एक्टिव है। तो जब ये पुलिस फोर्स हो तो मैं नहीं समझता कि इस पुलिस फोर्स के साथ आप जो हैं वो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकते हो। वाहिद हल जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसकी ना सिर्फ मॉनिटरिंग हो बल्कि उसके रिस्पॉन्स यूनिट्स भी हों, और मैं नहीं समझता कि कामे बाला को इस बात का इल्म नहीं है कि यही वो वाहिद हल है। क्यों नहीं किया जाता ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध हुकूमत ही दे सकती है और उसको जो है वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। उसके बगैर कराची के शहरी जो है वो आपको 45,000 मोटरसाइकिल का डेटा मिला है जो 2.5 अरब से ज़ायद की मालियत का है, और ये 2.5 अरब जो है वो अगर कन्वर्ट हो तो वक्त के साथ साथ वो 5-7 अरब हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो डबल हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमती मोटरसाइकिल और ये
कीमती गाड़ियां जो है वो कहाँ जाती हैं और किस किस इस्तेमाल आती हैं, क्या अंदरून पंजाब, अंदरून केपी के या अंदरून बलोचिस्तान जो है वो कोई रोक टोक नहीं है कि कौन सी मोटरसाइकिल वहाँ कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, क्या उनकी कोई चेकिंग नहीं है, या फिर हमने जो एक निज़ाम लाने की कोशिश की थी जिसमें मोटरसाइकिल में जो है वो ट्रैकर सिस्टम की बात की थी, उसको जानबूझ के इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये तमाम वो निशानात हैं जो एक सवालिया निशानात हैं जिसको हमें मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हुकाम बाला को करना चाहिए बल्कि शहरियों का एक रिएक्शन भी उस पर आना चाहिए कि शहरी जो है वो ये सवाल करने के मजाज हैं कि हमारी जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं निभाई जाती। चनाय साहब, शहरी तो सवाल कर रहे हैं बेचारे, बल्कि अब सवाल से तो बात बहुत आगे निकल गई, अब तो फरियाद कर रहे हैं लेकिन कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर मोबाइल स्नैचिंग की हम बात करें तो वो बेचारे अपने पैसे जमा करके बीसीए डाल करके जो है ऑफिस से एडवांस ले लेके स्टेटस को में आके एक पीयर प्रेशर में आके अच्छा मोबाइल ख़रीदते हैं और वो समझ लीजिए चाय के ढाबे के ऊपर आकर के जो है वो सबके मोबाइल छीन के ले जाए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में उनकी शक्लें वाज़े हैं, क्लियर है, कोई एक ऐसा वाकया नहीं है, कोई एक ऐसी डकैती नहीं है जिसके अंदर उन डकैतों के चेहरे नज़र ना आ रहे हो, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता, नहीं पकड़ा जा रहा है उन्हें, ये आज तक समझ में आने वाली बात नहीं है। इसमें क्या हर्डल्स ऐसी पेश आती हैं, क्योंकि आप जिस इदारे को जो है वो चेयर करते रहे हैं वहाँ से गाड़ियों की चोरी का निज़ाम बेहतर हुआ, वहाँ से गाड़ियों की डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आप ख़रीदने जाते हैं निज़ाम बेहतर हुआ, मोबाइल स्नैचिंग के लिए IMEI का फंक्शन आपने मुतारफ़ कराया कि जी कम से कम आप मोबाइल ब्लॉक कराएं ताकि उसके भी किसी काम का ना रहे जिसने छीना है, और अगर वो उसे खुलवाने के लिए जाए तो हम उसे पकड़ सकें। ये सारी चीज़ें, ये सारी इनोवेशन, ये सारे आइडियाज़ आपके इदारे से आए, तो ये क्या वजह है कि CCTV कैमरा में शक्लें क्लियर आने के बाद भी आज तक कोई ऐसा एक इक्का दुक्का आ गया हो तो आया हो, बाकी मेरी नज़र से वो इक्का दुक्का भी नहीं गुजरा है, ये मैं फॉर अ सेफ साइड कह रहा हूं कि पकड़े क्यों नहीं जाते। देखिए आजकल फेस रिकग्निशन जो है नादरा से फौरी तौर पे हो जाता है, जब साफ शक्लें नजर आती हैं तो नादरा से जो है वो उसकी मुकम्मल कवायद हासिल किए जा सकते हैं और फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दो बेसिक चीजें हैं, सजा और जजा का अमल। जी, सजा और जजा का अमल हमारे पास नहीं है। कोर्ट में मैं समझता हूँ जब ये केसेस जाते हैं तो ये फौरी तौर पर जमानत पे छूट जाते हैं। इसकी खास ये है कि कोई विटनेस नहीं आता, जब तक हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं होगा कोर्ट जो है वो फौरी फैसले नहीं करेंगी। मैं समझता हूँ कि ये चलता रहेगा, मुजरिमान को ये पता है कि जी हमारी बेल हो जाएगी बहुत जल्दी, हम बरी भी हो जाएंगे और हम दोबारा भी यही काम करते रहेंगे। तो जो ये सिलसिला है उसमें हम सिर्फ मुलजमान को जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं, ना कि उनको सजा सजा देने का अमल जो है वो करते हैं। हमें पूरे इस निज़ाम को जो है वो ठीक करने की बात करनी पड़ेगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। कराची के शहरी जो है वो खौफ और दहशत में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं कब मेरा मोबाइल छीन लिया जाए, और उस तमाम कोशिशों के बावजूद कि जी IMEI ब्लॉक हो जाती है, इसके बाद भी IMEI की रिप्लेसमेंट हो जाती है या फिर ये मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मगल हो जाते हैं उन ममालिक में जहाँ ये IMEI जो है वो वर्क कर जाती हैं। पाकिस्तान 5 सेलुलर नेटवर्क से ये बाहर निकली तो किसी भी IMEI पर वर्क कर जाती है, और मैं समझता हूँ कि हमारी मोबाइल चोरी के मोबाइल फोन की सबसे हॉट मार्केट जो है वो ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, और वहाँ ये धड़ाधड़ स्मगल होती है, और फिर यही बात आती है कि बॉर्डर फोर्सेज हमारी क्या कर रही है, क्या उन स्मगलिंग को जो है काम की कोई हिकमत अमली बनाते हैं या फिर जो है वो मिलकर जो है वो सिलसिला जो है वो करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है चुनाव साहब, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा जो है वो समझ लीजिए कि आप मेहनत करने वाला शहर जो है इस वक्त, उसके साथ उसकी शहरियों के साथ क्या हो रहा है, ना प्रोवाइड किया जा रहा है सिस्टम, ना ही जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है, ना ही किसी और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर कोई पुरसाने हाल नहीं है लेकिन अल्लाह ताला तो है जी, दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे, और नाज़रीन आपसे जो है वो आज के दिन हम चाहेंगे इजाज़त। अपना वीकेंड खुशी से मनाइए, घर वालों के साथ जाइए, डिनर कीजिए, एंजॉय कीजिए, अम्यूज़मेंट पार्क जाइए, मज़े कीजिए, मौसम अच्छा हो गया है, रात में हल्की हल्की सी ठंड हो गई है, कोशिश कीजिएगा कोई जैकेट या शॉल अपने साथ रख लें, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो एहतियात कीजिएगा क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। मुलाकात होगी मंडे को, टिल देन अल्लाह हाफिज़। दुनिया बोल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।